नमस्कार। आज की इस कक्षा में आज हम लोग आरोह भाग दो के दूसरे पार्ट बाजार दर्शन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो कल आपको गृह कार्य दिया गया था, यानी शनिवार को जो कक्षा हुई थी उसमें आपको जो गृह कार्य दिया गया था वो संभवतः आप सभी ने कर लिया होगा, और उसके बाद आज हम नई कक्षा में आज एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं इस KVS RO Delhi लाइव फेसबुक चैनल पर, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, और आज हम अगले पाठ की चर्चा अपने इस सेशन में करेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने प्रश्नों, अगर उनके पास कोई प्रश्न है पाठ से संबंधित, जब पाठ चल रहा होगा तो अपने कमेंट के रूप में डाल सकते हैं। यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि उसको भी हल करने की कोशिश की जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जल्दी से जल्दी इस कक्षा में जुड़ रहे होंगे। आज कक्षा 12वीं के गद्य खंड का अध्याय 2 बाजार दर्शन आपके लिए प्रस्तुत है। सबसे पहले हम बाजार दर्शन की चर्चा करने से पहले, आपको जैसा पता है कि बाजार दर्शन एक निबंध है। जब हमने पहले पाठ पर विभिन्न गद्य व्रतों की बात की थी तो उसमें हमने कहानी, नाटक और उपन्यास की बात की थी। तो एक और विधा है गद्य में जिसे हम निबंध कहते हैं, और निबंध के बारे में तो आचार्य शुक्ल का यहाँ तक कहना था कि निबंध गद्य की कसौटी है। अर्थात किसी भी निबंध को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेखक की गद्य पर पकड़ कितनी है। अगर हम निबंधों की बात करें तो निबंध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विचारात्मक निबंध, और दूसरा होता है भावात्मक निबंध। तो निबंध की ये दो प्रमुख कोटियां हैं, एक विचारात्मक और दूसरा भावात्मक। विचारात्मक निबंध उन निबंधों को कहते हैं जहां पर विषय मूर्त होते हैं, जहां पर किसी ऐसे विषय पर निबंध लिखा जाता है जिन विषयों के बारे में आपको जानकारी कहीं और से भी मिल सकती है, या उस विषय की कोई भूमिका आपके दिमाग में पहले से होती है। मूर्त और अमूर्त का अंतर तो आप समझते ही होंगे। मूर्त वो वस्तुएं होती हैं जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और अमूर्त वो विषय होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते हैं। तो विचारात्मक निबंध अक्सर मूर्त विषयों पर लिखे जाते हैं। इसमें लेखक को उतना अवकाश नहीं होता, विचार तो प्रकट करता है, वो अपने उस विषय वस्तु पर विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन लेखकीय स्वतंत्रता उतनी ज़्यादा नहीं होती। जबकि भावात्मक निबंध, इसको ललित निबंध के नाम से भी जानते हैं, तो भावात्मक निबंध और ललित निबंध इस कोटि के निबंध होते हैं जहाँ पर आप एक लेखक के रूप में, आपको लेखकीय स्वतंत्रता ज़्यादा होती है और अपनी रुचि और अरुचि के अनुसार लेखक उस निबंध को या उस विषय वस्तु को विस्तार देता है। तो ये तो निबंध की दो कोटियाँ हो गई। लेकिन जब हम जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में बात करते हैं, आप जैसे जानते हैं कि हम जब किसी लेखक की किसी रचना के बारे में पढ़ते हैं तो साहित्य में किसी भी साहित्यकार को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। या तो उसकी रचना के माध्यम से हम साहित्यकार को जानने की कोशिश करें, या साहित्यकार की जो विचारधारा है या साहित्यकार का जो लेखकीय व्यक्तित्व है उसके माध्यम से हम उसकी रचना को जानने की कोशिश करें। तो जैनेन्द्र कुमार को जानने से पहले हमें जैनेन्द्र कुमार की विचारधारा, जैनेन्द्र कुमार के दर्शन, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। तो हम जैनेन्द्र कुमार के इस निबंध, जो बाजार दर्शन निबंध हमारे यहाँ रखा गया है, उसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि बाजार दर्शन निबंध, जैनेन्द्र कुमार जी इसके लेखक हैं, और जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म आप देख रहे हैं कि 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था,
और इनका निबंध इनका निधन 1990 ईस्वी में हुआ। हम जनेंद्र कुमार जी की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा एक शब्द सामने आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मनोविश्लेषणवाद। इस पर हम चर्चा करते हैं। मनोविश्लेषणवाद है क्या? जब हम गद्य लेखन की बात करते हैं, कहानी लेखन या उपन्यास लेखन की बात करते हैं, तो जनेंद्र कुमार का जो रचना संसार था या जनेंद्र कुमार जी का जो रचना क्रम था वो प्रेमचंद जी के समानांतर चल रहा था। प्रेमचंद के बारे में आप जानते हैं, गद्य लेखन के क्षेत्र में, कहानी और उपन्यास लेखन के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि जो कुछ भी चर्चा होती थी वो प्रेमचंद के साथ की जाती थी, और कहा जाता था कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य को जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया वहां पर पहुंचना दूसरों के लिए नामुमकिन है। और उस दौर में कोई भी गद्यकार, कोई भी रचनाकार जब कोई रचना करना शुरू करना चाहता था तो वो प्रेमचंद का नाम लेके रचना संसार में उतर जाता था। ऐसा लगता था कि प्रेमचंद की परंपरा के बाद अब कुछ नया लेखन कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर कोई प्रेमचंद जैसा बनना चाहता था और प्रेमचंद ने जो एक रेखा खींच दी थी उस रेखा से आगे कोई नहीं बढ़ रहा था। लेकिन प्रेमचंद का जो जिस यथार्थ की वो बात करते थे वो यथार्थ बाद में आलोचकों ने भी उसकी उस पर बात की है। प्रेमचंद का जो यथार्थ था, जो सामाजिक यथार्थ था, वो एक सीमा पर जाकर ठहर जाता है और उसके बाद की जो प्रेमचंद की जो बात की आगे का जो रचना संसार है वो जैनेन्द्र कुमार के बाद शुरू होता है। और जहाँ पर प्रेमचंद चूक गए थे, प्रेमचंद के चरित्रों की अगर हम बात करते हैं तो प्रेमचंद के चरित्रों में एक सामाजिक यथार्थ तो दिखाई देता है लेकिन मनोवैज्ञानिक सत्य, हालांकि उनकी बाद की कहानियों में ये बात दिखाई देना शुरू हो गई थी, कफन और उसकी रात जैसी कहानियाँ जो हैं उनमें कुछ चरित्र उनके ऐसे दिखाई देते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक चिंतन कर रहे हैं और मनोवैज्ञानिक सत्य की बात वहाँ पर दिखाई देती है। प्रेमचंद ने अपने खुद के वक्तव्य में एक जगह कहा था कि कहानी वही है जो किसी न किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। अर्थात वो भी इस बात को मानते थे कि मनोवैज्ञानिक तत्वों का कहानी या उपन्यास लेखन में होना बहुत जरूरी है। तो हम थोड़ा सा मनोविश्लेषण वाद के बारे में जानते हैं, मनोविश्लेषण है क्या वास्तव में, क्योंकि जिस वाद का जन्म जनेंद्र कुमार जी के साहित्य संसार में आने के बाद शुरू होता है, इसकी चर्चा इसके पहले नहीं दिखाई देती साहित्य के क्षेत्र में। वास्तव में ये जो मनोविश्लेषणवाद है ये इसकी शुरुआत पाश्चात्य जगत से होती है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं साइको एनालिसिस, मानव के मन का विश्लेषण किया जाता है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले जो सारे मनोविश्लेषणवादी जिसको अपना पिता मानते हैं वो डॉक्टर सिगमंड फ्रायड थे। उन्होंने मनोविश्लेषणवाद की नींव डाली और इसके बाद उनके शिष्य एडलर और यंग नाम के दो उनके शिष्य थे, उन्होंने इस उनके मनोविश्लेषणवाद को आगे बढ़ाया। तो ये मनोविश्लेषणवाद वास्तव में आधारित किस पर है? मनोविश्लेषणवाद का अर्थ होता है मन का विश्लेषण करना, और मन हमारा जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो हमारा बाह्य मन जिसे हम देख रहे हैं और दूसरा हमारा अंतर्मन, और इसको तीन उपादानों पर व्याख्यायित किया जाता है। वो तीन उपादान कौन से हैं मन के? मन हमारा तीन प्रकार से व्याख्यायित किया जाता है। चेतन, अचेतन और अवचेतन, जिसको फ्रायड ने ईगो और सुपर ईगो के नाम से व्याख्यायित किया था। तो ईड क्या होता है? ईड आपके मन का जो है अवचेतन भाग होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक आइसबर्ग आप लोगों ने सुना होगा, एक हिमपिंड जो सागर के तट पर तैरते हुए हिमपिंड होते हैं उनको आइसबर्ग कहा जाता है। आइसबर्ग की खूबी ये होती है या उसकी विशेषता ये होती है कि उसका 9/10 भाग
पानी के भीतर होता है और उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर होता है। तो जो मानव मन का अवचेतन वाला भाग है, ईड वाला भाग है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो पानी के नीचे होता है, जो हमें बाहर दिखाई नहीं देता, ये 9/10 वाला भाग है। और बाकी का जो 1/10 वाला भाग है वो ईगो और सुपर ईगो के रूप में व्याख्यात किया गया है। यानी मनुष्य का जो चरित्र है वो किसके आधार पर, किस पर आधारित होता है, उसके जो क्रिया व्यापार है वो अवचेतन के आधार पर बहुत ज़्यादा संचालित होता है। और इसके पूर्व के जो साहित्यकार थे उन्होंने चरित्र सृष्टि में इन बातों पर ध्यान शायद नहीं दिया होगा या इनसे आगे की बात होगी। तो यही कारण है कि जैनेन्द्र कुमार जब मनोविश्लेषणवाद को लेकर आते हैं साहित्य के संसार में, साहित्य के क्षेत्र में, तो जो जैनेन्द्र कुमार जी के पात्र हैं वो पात्र अपने मनोवैज्ञानिक प्रश्नों को सामने लेकर आते हैं और ज़्यादा अलग नज़र आते हैं प्रेमचंद के पात्रों से। आलोचक कहते हैं इसको बाद में कि प्रेमचंद के पात्र जो हैं वो टाइप हैं। टाइप अर्थात वो एक आदर्श पात्र हो सकते हैं लेकिन उनके पात्र व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मनोवैज्ञानिक तत्व का या व्यक्तिगत किसी चरित्र की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी वैयक्तिकता को नहीं उभारा है। तो जहाँ पर कमी थी प्रेमचंद के साहित्य में, प्रेमचंद के चरित्र सृष्टि में, उसको आगे बढ़ाने का काम जैनेन्द्र कुमार ने किया। तो चलिए, ये थोड़ा सा मनोविश्लेषणवाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी। ये मैं इसलिए मैंने आपको बताया कि जब भी जैनेन्द्र कुमार का नाम आता है तो जैनेन्द्र कुमार के नाम के साथ साथ मनोविश्लेषणवाद भी आता है। तो मनोविश्लेषणवाद क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय आपको होना चाहिए। तो देखिए, आप इस पाठ में जब आप आगे पढ़ेंगे बाजार दर्शन में, तो ये वैसा पाठ नहीं है जो बाजार के बारे में वर्णन कर रहा है। बाजार तो इसमें एक उपादान है, बाजार से बात की शुरुआत तो होती है, लेकिन ज़्यादातर जो आप इस पाठ में पढ़ने के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा वहाँ पर कि लेखक ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ज़्यादा किया है। तो आइए हम आप चलते हैं बाजार दर्शन की ओर। बाजार दर्शन में लेखक ने क्या, किन बातों की चर्चा की है? ये पाठ्य पुस्तक आपकी आपके सामने आने जा रही है। थोड़ा सा जैनेन्द्र कुमार जी का और परिचय मैं दे देता हूँ। मनोविश्लेषणवाद का परिचय तो हो चुका। जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद के बाद के दौर के साहित्यकार हैं, या कह सकते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले साहित्यकार हैं। और मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत जैनेन्द्र कुमार से होती है और इसके बाद इलाचंद जोशी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। उनका जन्म 1905 अलीगढ़ में हुआ था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं, कुछ उपन्यास हैं उनके, परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये उनके उपन्यास हैं। उनके जो हैं इन उपन्यासों में जो चरित्र हैं उनकी चर्चा बाद में साहित्य के जगत में बड़ी विशद हुई है। और उनके सारे पात्र, इवन यहाँ तक कहा गया है कि हिंदी साहित्य में शरदचंद का जो स्थान है बंगला साहित्य में, वो हिंदी साहित्य में जैनेन्द्र कुमार जी का भी है। और इसके अलावा पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, फांसी, ये उनके कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये उनके विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। भारत सरकार के द्वारा उन्हें साहित्य अकादमी, भारत भूषण, साहित्य अकादमी, भारत भारती सम्मान और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं वो जैनेन्द्र कुमार हैं। और उपन्यासों के अलावा कहानियों के माध्यम से उन्होंने सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र कुमार की पहचान एक गंभीर चिंतक के रूप में भी होती रही है और बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति,
और दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि, गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, तो उनकी चिंतन दृष्टि में गांधीवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। वो अपने आसपास के जीवन का, जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में अपने साहित्य की रचना करते हैं। अब हम थोड़ी सी बाजार दर्शन की सारांश की बात करते हैं, उसके सार की बात करते हैं कि बाजार दर्शन में है क्या वस्तुतः। बाजार दर्शन पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ चीजें और भी आपके सामने आएंगी। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इस पाठ को खोलने में आपकी मदद करेंगे। कुछ शब्द हैं ये देखिए, बाजार, बाजार दर्शन, बाजार का जादू, परचेजिंग पावर, मन का भरा होना, मन का बंद होना और बाजार की सार्थकता। ये कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है। इस निबंध में लेखक ने इन शब्दों का प्रयोग किया और इनके इनका एक समुचित अर्थ भी दिया हुआ है। तो चलिए आज देखते हैं इसका सार क्या है। बाजार दर्शन पाठ की शुरुआत होती है कैसे कि एक लेखक के प्रारंभ में एक लेखक के मित्र हैं और एक मामूली सी चीज़ लेने के लिए बाजार जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पैकेट्स लेकर घर आते हैं वापस। लेखक उनको पूछता है कि आप तो गए थे बहुत थोड़ा कुछ लेने के लिए, तो वो क्या कहते हैं, अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हैं कि ये सब इनकी कृपा है, उनकी वजह से मैं इतने सारे चीज़ें खरीद कर लेकर आया हूँ। पूछे जाने पर पत्नी को दोष देने लगे। लेखक को लगता है कि वास्तव में इसमें पत्नी का दोष नहीं है, ये तो पैसे की गर्मी है। और पैसे की गर्मी क्या है, वही पैसे की परचेजिंग पावर, पैसा पावर है। उसे दिखाने के लिए हम मकान, कोठी, बैंक बैलेंस सब इकट्ठा कर लेते हैं। लोग बाजार से अपनी ज़रूरत देखकर जाते नहीं हैं और परचेज पावर देखकर जाते हैं। ये बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी बात लेखक ने यहाँ पर कही है और ये बाजारवाद और उपभोक्तावाद को समझने का एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। उपभोक्तावाद क्यों पैर पसार रहा है? उपभोक्तावाद भारत में तो खैर पैर पसार चुका है, लेकिन इसका जन्म कहाँ से होता है? पाश्चात्य जगत से होता है, क्योंकि पैसा क्या हो गया है, अब एक दंभ बन गया है, लोगों का अहंकार बन गया है। लोग दिखावे के लिए पैसे का उपयोग करते हैं, वास्तव में लेखक की दृष्टि में वो पैसे का उपयोग सदुपयोग नहीं है, उसका दुरुपयोग। तो यही बात वो लेखक कहता है कि हम बाजार जाते हैं तो अपनी ज़रूरत के लिए बाजार जाएं, ना कि पैसे की परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए बाजार जाएं। बाजार लोगों को आमंत्रण देता है, आओ खरीदो बाजार में खड़े होकर। ये शब्द यहाँ पर आया है, बाजार का जादू। ये बाजार का जादू क्या है? बाजार में चीज़ें इस ढंग से प्रदर्शित की जाती हैं, इस अगर आप किसी मॉल में जाएं आप देखें तो वहाँ चीज़ें इतने सुंदर ढंग से प्रदर्शित होती हैं कि आपका मन न चाहते हुए भी लगता है कि काश ये भी मैं खरीद सकता। और अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं, उनकी आवश्यकता भले आपको हो या ना हो। और तब क्या होता है, बाजार अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, तब बाजार अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है। बाजार का जादू के बारे में लेखक का एक प्रसंग आता है इस पाठ में आगे, और वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। अक्सर परीक्षा में उस प्रसंग से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाजार का जादू क्या चीज़ है। बाजार का जादू के बारे में वो कहते हैं कि बाजार का जादू क्या है, वो आँख की राह काम करता है, यानी आँखों के माध्यम से आपके दिल में उतरता है। और जब एक बार वो आपके दिल में उतर जाता है तो क्या होता है, आप उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। और बाजार की चकाचौंध और गिरफ्त में आने के बाद क्या होता है कि आप उसके शिकार हो जाते हैं। और शिकार होने के बाद जब आप घर लौट कर आते हैं और जब मूल्यांकन करते हैं कि वास्तव में आपको क्या करना था, आप क्यों बाजार गए थे और आज क्या हुआ, तब आपको समझ आता है कि आप बाजार के जादू के शिकार हो गए। बाजार लोगों को आमंत्रण देता है कि आओ खरीदो बाजार में खड़े होकर। आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी सामान नहीं है, बाजार में कितना सारा सामान है, आओ उनके पास काफी सामान कम है, मेरे पास थोड़ा है। लेखक के एक और मित्र बाजार गए थे, शाम को खाली हाथ लौट कर आए, पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं हो पाया, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। मित्र कुछ छोड़ना नहीं चाहता था इसलिए वो कुछ नहीं हो पाया। ये तीन प्रकार की कोटियाँ बताई हैं उन्होंने, ये मित्रों के उदाहरणों के माध्यम से तीन प्रकार की कोटियाँ बताई हैं। एक मित्र वो है कि जिसका मन खाली है, उसको पता नहीं है उसे क्या लेना है,
तो वो जाता है बाजार में, उसके जेब में पैसे हैं और अपने सारे पैसे खर्च करके बाजार से बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आता है। दूसरा मित्र क्या है? दूसरा मित्र, उसे पता है अपनी आवश्यकताओं के बारे में, वो बाजार जाता है, वहां पर देखता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बाजार के जादू और उसके चकाचौंध से प्रभावित होता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं सब कुछ ले चलूं, उसकी इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि मैं कुछ ले जाऊंगा तो बाकी सबको छोड़ जाऊंगा, इसलिए वो क्या करता है, इसी कंफ्यूजन में वो सब कुछ को छोड़कर चला आता है और घर बिना कुछ लिए आ जाता है। लेखक कहता है कि बाजार में जादू तो है, लेकिन ये तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। दो चीजें हैं, आपकी जेब में पैसा हो लेकिन आपकी मन, आपका मन खाली होने का मतलब मन में इच्छाएं भरी हों। आपकी इच्छाएं अगर पूर्ण नहीं है, तृप्त नहीं है, तो क्या होगा, बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं आप अपनी लेकर जाएंगे तो क्या होगा, आप बाजार के जादू से प्रभावित हो जाएंगे। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, लेकिन जादू का असर कब खत्म होता है, तब फैंसी चीजें जीवन में खलल डालने लगती हैं। जब आप बाजार से बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आते हैं, फैंसी चीजें, और बाद में आकर देखते हैं, ये तो अनावश्यक चीज है, ये तो हमारे जीवन में आराम नहीं प्रस्तुत कर रही है बल्कि उसके जीवन में और हमें कठिनाई पैदा कर रही है, तब आप दुखी होते हैं और कहते हैं कि हमने ये चीज़ अनावश्यक खरीद ली। तो ये बाजार का असर होता है आपके मन पर, जो नकारात्मक असर है। बाजार के आकर्षण से बचने का एक ही उपाय है कि जब बाजार जाइए तो मन खाली ना हो, जब जरूरत हो किसी वस्तु की, जब आवश्यकता हो किसी वस्तु की, तभी बाजार जाइए। तो लेखक यहाँ पर एक चीज और कहता है कि मन का भरा होना, यानी इच्छाओं का पूरा होना, इच्छाएं बहुत ज्यादा अतृप्त इच्छाएं ना होना, अगर आपका मन भरा है तो आपको बाजार बुरी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकता। एक और छोटी सी कहानी लेखक इसमें सुनाता है पाठ में। वास्तव में ये जो पाठ है, लेखक लिख तो रहा है और साथ ही साथ संवाद भी कर रहा है, समाज के एक बहुत बड़े हिस्से से ही अपने पाठकों से संवाद भी कर रहा है, क्योंकि बीच में कहता है कि आप ये मत समझिएगा कि ये जो भगत जी की कहानी मैं सुना रहा हूँ, जो चूरन बेचने वाले भगत जी हैं, ये मत समझिएगा कि मैं चूरन बेचने वाला हूँ। यानी वो कहानी भी सुना रहा है और साथ ही साथ उस कहानी में पाठकों के साथ संवाद भी स्थापित कर रहा है। अब वो भगत जी की कहानी क्या है वो देखिए, देखते हैं। लेखक कहता है कि मेरे पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं, वो चूरन बेचने का काम करते हैं। एक दिन में चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते। 6 आने के बाद में जो बचा हुआ उनका चूरन होता है वो बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। उनके अंदर तृष्णा और संचय की प्रगति नहीं है। बिके हुए पैसों से वो बाजार जाकर जीरा नमक खरीदते हैं। उनको पता है कि उनकी आवश्यकता क्या है। वो बाजार में जाते हैं, लेखक बात करता है कि वो चांदनी बाजार में जाते हैं तो बाजार की चांदनी चारों ओर बिखरी होती है, लेकिन लेखक वहीं जाता है, भगत जी वहीं जाते हैं जहां पर उनकी आवश्यकता का सामान मिलता है, और बाजार का सारा चकाचौंध चारों तरफ बिखरा हुआ है उससे वो प्रभावित नहीं होते और सीधे जाकर उस दुकान में जाते हैं जहां पर जीरा और नमक मिलता है, जो उनकी चूरन बनाने का कच्चा माल है, और बाद में वो उसको लेकर आते हैं और अपना चूरन बनाते हैं। रास्ते में फैंसी दुकानें हैं, चांदनी बिछी हो, फिर भी वो अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। वे वास्तव में बाजार का कल्याण करते हैं और अपनी परचेजिंग पावर का दंभ भी नहीं भरते। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब हम बाजार में अपनी परचेजिंग पावर का दंभ दिखाने के लिए जाते हैं तो बाजार से हम नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं या बाजार के जादू या उसके माया जाल में फंस जाते हैं। इसके बाद लेखक कहते हैं कि ये जो भगत जी जैसे लोग हैं, ये बाजार को सार्थकता देते हैं। यहाँ पर एक और चीज, एक शब्द यहाँ पर आया है, बाजार की सार्थकता। बाजार की सार्थकता के बारे में लेखक कहना चाहता है कि बाजार की सार्थकता तभी है कि जो बाजार किस पर आधारित होता है, बाजार आधारित होता है मांग और पूर्ति पर। तो अगर मांग और पूर्ति वास्तविक है तब तो बाजार सार्थक है, और अगर कृत्रिम मांग पैदा की गई है और कृत्रिम आपूर्ति पैदा की दी जाएगी तो क्या होगा, बाजार वो अनर्थकारी होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी अर्थशास्त्र की बात भी करता है लेखक इस पाठ के माध्यम से। बाजारवाद की तो बात है ही, इसमें उपभोक्तावाद की बात भी है और साथ ही साथ वो अर्थशास्त्र की बात भी करता है। वो कहता है कि वही लोग वास्तव में बाजार का कल्याण करते हैं जो लोग सार्थक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, अपनी जरूरत की जो को पहचानते हैं, बाजारूपन से दूर रहते हैं, कपट को बढ़ावा नहीं देते, सद्भाव को नहीं घटाते। सद्भाव नष्ट हो जाने पर ग्राहक और बेचक ही रह जाते हैं, एक दूसरे को ठगने की खात पर रहते हैं। यहाँ पर पाठ के अंत में आते आते वह बाजार की सार्थकता पर चर्चा करता है कि वही बाजार सार्थक है जो
वास्तविक मांग और आपूर्ति पर चलता है, और अगर कृत्रिम मांग और आपूर्ति पर बाजार चलेगा तो बाजार क्या होगा, वो वास्तव में वहां पर बेचक और ग्राहक ही रह जाएंगे, एक दूसरे को ठगने की घात में रहेंगे, बाजार में शोषण होने लगेगा और कपट सफल हो जाएगा और निष्कपट शिकार हो जाएगा। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और ऐसे बाजार का जो पोषण करते हैं वो वास्तव में अर्थशास्त्र नहीं है। ऐसे बाजार का पोषण करने वाला शास्त्र, अंत में वो कहते हैं, वो अर्थशास्त्र नहीं बल्कि वो अनीति शास्त्र। तो ये पाठ का कुछ सारांश था, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इन शब्दों को अगर हम, इन छोटे छोटे परिभाषिक शब्दों को अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा इस पाठ में हमें और क्या करना है। और चलिए कुछ जो प्रश्न हैं पाठ के बाद में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से भी हम पाठ के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। एक प्रश्न है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बाजार, लेखक लिखता है अपने उस प्रसंग में कि बाजार का जो जादू है वो आंख की राह काम करता है, अर्थात हम जब चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों पर आकर्षित होते हैं और चीज़ों को इतने सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया होता है बाजार में कि लगता है कि हम उसको खरीद लें, ये वस्तु हमारे पास होनी चाहिए। और बाद में क्या होता है कि जब वो वस्तु हम अनावश्यक रूप में खरीद कर लेके आते हैं तो वो वास्तव में हम बाजार के जादू और उसके माया जाल पर फंस जाते हैं और हम अपने लिए क्या करते हैं, अपने लिए और मुश्किल खड़ी करते हैं। कहता है लेखक कि बाजार का वो जादू है जो आँख की राह काम करता है। जब जेब भरी होती है तो जादू का असर और भी ज़्यादा होता है। जब मन खाली हो और बाजार अनेक चीज़ों से भरा हुआ है तो मन में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा होगा और हमें लगेगा कि हम सारी वस्तुएं खरीद लें, जिससे हमारा अहम भी संतुष्ट होता है। बाजार की जो आपकी पैसे की जो परचेजिंग पावर है उसमें लगता है उसको कि उसमें बहुत शक्ति है और अपनी शक्ति को दिखाने की कोशिश करता है। और लेखक कहता है कि जब ये पैसे की जो परचेजिंग पावर है जब अपनी शक्ति दिखाती है तो वास्तव में क्या करती है, ये लोगों को घायल करती है। जब बाजार में बहुतायत आराम की चीज़ें जो उपस्थित हैं अगर हम उनको लाकर अपने घर में इकट्ठा कर लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो आराम की वस्तुएं हैं वो हमारा आराम नहीं बढ़ाएंगी बल्कि हमारे आराम में खलल डालेंगी, यानी उसमें मुश्किलें पैदा करेंगी और ये सभी वस्तुएं अनावश्यक होती हैं। तो ये पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर क्या असर होता है। एक प्रश्न और है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भगत जी का यहाँ पर कौन सा चरित्र, उनके चरित्र का कौन सा पहलू उभर कर आता है कि भगत जी अपने जीवन से बहुत संतुष्ट, उनमें उन्हें पता है कि उनकी आवश्यकता क्या है, जो चीज़ें आवश्यकता से संबंधित हैं उनको खरीदने के लिए वो बाजार जाते हैं और इधर उधर की चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं, तो उन जैसे व्यक्तियों पर बाजार प्रभाव नहीं डाल सकता। वो चूरन बेचने का काम जरूर करते हैं लेकिन 6 आने का पैसे कमा लेने के बाद उनका अपना जो बचा हुआ चूरन होता है बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं, यानी उनमें संग्रह और संचय की प्रवृत्ति नहीं है। और जब व्यक्ति में संग्रह और संचय की प्रवृत्ति बढ़ती है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये लालच में बदलती जाती है और इसके बाद संतुष्टि, जो मन की संतुष्टि है वो खत्म होती चली जाती है और अंत में क्या होता है कि वो व्यक्ति उसका शिकार बन जाता है। वो कहते हैं कि बहुत सारे भगत जी के चूरन की इतनी मांग है, लेखक कहता है कि भगत जी के चूरन की इतनी मांग है कि थोड़ी देर में उनका पूरा चूरन बिक जाता है और बहुत सारे थोक व्यापारी भगत जी से उनका चूरन मांगने आते हैं। उनको कहते हैं कि आप ऐसा करिए, चूरन बनाकर हमें दीजिए थोक में और हम बेचेंगे और आप हमसे बहुत सारा एडवांस पैसा ले लीजिए, लेकिन भगत जी मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। वो भगत जी अपनी जरूरत का सामान जीरा और काला नमक खरीदते हैं और उनके लिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ है, भले वो बाजार के आमंत्रण में फंसते नहीं है लेकिन बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस बात पे भी चर्चा करता है, ये अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण बिंदु है कि वही बाजार सार्थक है जो वास्तविक पूर्ति और वास्तविक मांग पर आधारित है। जब कृत्रिम मांग होगी और कृत्रिम आपूर्ति होगी तो क्या होगा, उपभोक्तावाद का विस्तार और ज़्यादा तेजी से होगा और ज़्यादा मुश्किल होगा। अगला एक प्रश्न आता है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को
अब यहाँ पर देखते हैं कि बाजारूपन क्या है। लेखक कहता है बाजारूपन, अगर हम लेखक की बातों से बाजारूपन को स्पष्ट करना चाहें तो वो कहता है कि वो विचार बाजारूपन है जो कपट को बढ़ावा देता है। बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि उसकी आवश्यकता क्या है या उसे किस चीज की जरूरत है, और जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसकी आवश्यकता क्या है तो वास्तव में क्या है, वो बाजार को सार्थक, बाजार जाता तो है, बाजार से चीजें भी खरीदता है, लेकिन वो बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं करता, क्योंकि वो जब बाजार जाता है तो अपने पैसे की परचेजिंग पावर की वजह से बाजार जाता है। जब कोई व्यक्ति पैसे की परचेजिंग पावर के लिए बाजार जाता है, उसके प्रदर्शन के लिए बाजार जाता है, तो क्या होता है, पैसे की विनाशक शक्ति का रूप सामने आता है। और क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें वो इकट्ठा कर लेता है, अनावश्यक चीजें खरीद लेता है, तो बाजार में बाजार का एक और प्रभाव कपट भी पड़ता है, आपसी लोगों के बीच की दूरी भी बढ़ती है, सद्भाव घटता है, भाई भाई पड़ोसी नहीं रह जाते। क्या होता है, पड़ोसियों से आगे बढ़ने की होड़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीद कर अपने घर लेकर आना चाहते हैं और दिखावा करना चाहते हैं कि देखो हमारे पास क्या है। तो ये जो है बाजारवाद का नकारात्मक प्रभाव है, कपट से बाजार को सच्चा लाभ नहीं होता, अतः बाजारोपन की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। एक और प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग और जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वो देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को, इस रूप में एक प्रकार से वो सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? ये थोड़ा सा विश्लेषण परक प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे उम्मीद की जाती है, आपसे ये अपेक्षा है कि आप इस पूरे पाठ को पढ़ें और उसको समझें और उसके बाद अपना विश्लेषणात्मक एनालिटिकल उत्तर दें कि जब आप बाजार जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने गृह कार्य में खुद करना चाहिए। अगले पार्ट में जब हम अगले पार्ट के लिए आएंगे तब भी हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। वैसे ये प्रश्न आपको खुद अपने असाइनमेंट में करना है। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ, ये प्रश्न, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वो देखता है तो सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को, इस रूप में वो एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना करता है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? एक प्रश्न और भी है, ये भी विशेषण परक प्रश्न है, आप अपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हो। आपने कई बार ऐसे मौके आए होंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहे होंगे और किसी के पास पैसे ज़्यादा होंगे और किसी के पास पैसे नहीं होंगे, तो जब आपके दोस्त ने आपके सामने अपने पैसे की परचेजिंग पावर या उसकी शक्ति का प्रदर्शन किया तो आपके मन में उसका कैसा प्रभाव हुआ, आप इसके बारे में ऐसा लिख सकते हैं। ये भी एक विश्लेषण परक प्रश्न है। तो शुरू के तीन प्रश्नों के माध्यम से मैंने इस पाठ को और भी ज़्यादा व्याख्यायित करने की कोशिश की, और जो अंतिम दो प्रश्न हैं जो विश्लेषण परक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं कि आप उसको अपने गृह कार्य में करके लाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसके साथ ये पाठ समाप्त होता है। एक बार मैं फिर आपको कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु महत्वपूर्ण सार बिंदु हैं मैं उसके बारे में आपको और एक बार बता दूं। एक बार जो सार है, ये बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो निबंध है वो दो कोटि के होते हैं, एक होता है विचारात्मक निबंध, एक होता है भावात्मक निबंध। तो हालांकि ये जो बाजार दर्शन है, अगर हम इसको उपभोक्तावाद और बाजारवाद के बारे में एक विचारपरक निबंध लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक ने इस पर एक ललित निबंध, यानी अपने विचारों को जो उसके व्यक्तिगत विचार हैं उनको उसने बहुत रुचि के साथ जो है इसका विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया है, इसलिए ये लालित्यपूर्ण निबंध है, इसलिए एक ललित निबंध है। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद की चर्चा बहुत पुरानी नहीं है, क्योंकि जब ये लेख लिखा गया है उसके एक डेढ़ दशक पहले शुरू हुई थी चर्चा, लेकिन आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है। उपभोक्तावाद और बाजारवाद की चर्चा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी।
तो क्योंकि आज भी उपभोक्तावाद और बाजारवाद पूरी तरह से हमारे समाज को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। वे अपने परिचितों और मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हैं और स्पष्ट करते हैं कि अपने स्पष्ट करते हैं और बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। हाँ, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करेंगे तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय इसकी चमक दमक में फंसकर बाजार जाते हैं तो क्या होगा, हम बाजार के शिकार हो जाएंगे। बाजार क्या करेगा, तब हमें घायल कर देगा। ईर्ष्या से घायल होकर हम सदा के लिए बेकार बन हो सकते हैं। इस मूल भाव को जयेंद्र कुमार ने भली भांति समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं एक किस्सा गो की तरह। किस्सा गो मतलब कहानी कहने वाला। किस्सा गो सब बड़ा साहित्य में बड़ा प्रचलित शब्द है। जब हम कहानियों की बात करते हैं तो प्रेमचंद की जब बात उठती है तो प्रेमचंद को सबसे सफल किस्सा गो कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी कहानी जो सुनाने का जो तरीका है वो बहुत सुंदर है। जैसे जब भगत जी की कहानी वो कहते हैं तो भगत जी की कहानी सुनाते समय वो किस्सा गो के रूप में नजर आते हैं। तो उन्होंने अपने इस पाठ में इस विषय को कभी दार्शनिक अंदाज में और कभी किस्सा गो की तरह समझाने की कोशिश की है। इसी क्रम में वो केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को ही अर्थशास्त्र मानते हैं, वरना जो बाजार का पोषण नहीं करता वो अर्थशास्त्र नहीं अनीति शास्त्र है। तो बच्चों, आज मुझे लगता है कि ये बाजार दर्शन जो पार्ट है आपका ये पूरा होता है। और असाइनमेंट के रूप में आपको मैंने दो प्रश्न दिए हैं, दोनों विश्लेषण परक प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और इसके अलावा भी अगर कुछ प्रश्न हैं किसी के कोई, तो हम अगले पार्ट में उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज आपका जो विषय था यहीं पर समाप्त।